बुजुर्गों और निराश्रितों की सेवा के नाम पर सरकारी खजाना लूटा जा रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सतना जिले के तहसील उछेरा के ग्राम श्यामनगर की, जहाँ सामाजिक न्याय विभाग सतना द्वारा संचालित वृद्धाश्रम की, जहाँ सरकार से वित्त पोषित वृद्धाश्रम के नाम पर बड़ा गोलमाल चल रहा है। वहीं वृद्धाश्रम में रह रहे कुछ बुजुर्गों से मिली जानकारी के अनुसार किसी भी वृद्धा को सुबह चाय नाश्ता नसीब नहीं होता, यहाँ तक कि भरपेट भोजन भी नहीं मिल रहा है। वहीं आश्रम में रह रही तेरसिया नामक वृद्धा ने बताया कि यहाँ खाने का कोई टाइम टेबल नहीं है, कभी 12 बजे तो कभी 1 बजे मिलता है, परंतु वो भी पानी वाली दाल एवं बिना तेल मसाले की सब्जी, जली जली रोटियां मिलती है। बुजुर्गों के द्वारा शिकायत करने पर जिम्मेदारों के द्वारा ये कहकर टाल दिया जाता है कि प्रशासन के द्वारा राशि 3 साल से नहीं मिली है। केतुदार मिली 1 बजे कहूँ, केतुदार खाना मिला तो आवती 10:30 बज जाते कहूँ 10 बजे, तब बरिया बरिया के मिला थे खाना दोपहर के कहूँ 1 बजे कहूँ 12 बजे, ऐसे ज्यादा बढ़ के, और रात के आई 7 बजे 6 बजे तो वहाँ कितना बजा दी थी, रानी माने खाना मिला थे जब तब मिला थे, पेट तो भर नहीं है तो खावे ना, अरे पानी नहीं चला भर देती कुछ नहीं रहा स्वाद का ही, हम कहे मैं तुम्हें खवाई बाहर से नियम जहाँ से आवत रहो है, कहते 1 रुपये नहीं हो 3 साल हो गए, हम कहाँ से खवाई, हम घर से अपने खवाई के दार चावल, प्रभा बोल रही है घर से खाना हम खवाई, पैसा नहीं हो तो कहे मैं चाय नाश्ता दई तू ही कह के नाश्ता कराई, जितना पैसा हमें लगे जितना से अपना का खवाओ तुम ही सब लोगन का, अब पैसा हम नियम है अपने से हम खाना खवा रहे दाल चावल घर से खवा रहे हैं, ये मेरे कहती है नाश्ता वास्ता कुछ नहीं मिलता और दाल सब्जी में गड़बड़ी रहती है, ऐसे दाल में पानी ज़्यादा रहता है, सब्जी में भी ज़्यादा पानी रहता है और सब्जी में कुछ मसाला वसाला नहीं पड़ता है, सब खाली नमक हल्दी, खाने बनाता है एक समाज कुशवाहा है, हालांकि यहाँ मिलता है 7 बजे या कहीं 8 बजे, नहीं रात में 8 बजे मिलता है, यहाँ कहीं 12 बजे कहीं 1 बजे वहाँ वही आलू बस, सब्जी खाने में कोई अच्छी नहीं रहती, यहाँ कुल 5-6 आदमी है और ऐसे 5-6 आदमी लोग हैं। टाइम 8 मध्य प्रदेश के लिए उचहरा से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट।